जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो एक दूरदर्शी थी और जिसने समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उनका नाम ईडा सोफिया स्कडर था। उनका जन्म 9 दिसंबर 1870 को तमिलनाडु, भारत के रानीपेट में हुआ था। उनके माता पिता जॉन और सोफिया अमेरिकी मेडिकल मिशनरी थे। ये दूसरी पीढ़ी के मिशनरी थे क्योंकि उनके दादा जॉन भी भारत में डॉक्टर और मिशनरी थे। ईडा का बचपन तमिलनाडु में बीता, जहां उन्होंने जीवन की रंगीन उत्सवों के साथ साथ गरीबी, बीमारी और अकाल जैसी कठिनाइयों को भी देखा। जब वह किशोरी थी तो उन्हें मैसाचुसेट्स के एक निजी ईसाई बोर्डिंग स्कूल नॉर्थफील्ड में पढ़ने का अवसर मिला, जहां उनकी शरारतें प्रसिद्ध हो गईं। स्नातक होने के बाद उनकी योजना थी कि वह शादी करके अमेरिका में बस जाएंगी, और उन्होंने यह ठान लिया था कि वह कभी भारत में तीसरी पीढ़ी की मिशनरी नहीं बनेंगी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। 1890 में जब उनकी माँ बीमार हो गई तो वह कुछ महीनों के लिए भारत लौटी ताकि अपने पिता की क्लिनिक में मदद कर सकें और माँ की देखभाल कर सकें। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। आधी रात को एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके घर आया और अपनी पत्नी की प्रसव में मदद के लिए किसी महिला डॉक्टर की गुहार लगाई। ईडा तब किशोरी थी और उनके पास कोई मेडिकल प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता को बुलाया। लेकिन उस व्यक्ति ने पुरुष डॉक्टर से इलाज कराने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी सांस्कृतिक परंपराएं इसे अनुमति नहीं देती थीं। उस रात और भी दो व्यक्ति उसी तरह की मदद के लिए आए और सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले दिन ईडा को यह जानकर गहरा धक्का लगा कि उन तीनों महिलाओं और उनके नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी। उसी क्षण ईडा ने शादी और आरामदायक जीवन की सभी योजनाओं को त्याग दिया। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर उन्हें इस कार्य के लिए बुला रहे हैं। बाद में उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि वह पहली बार था जब मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और ऐसा लग रहा था कि वह मुझे इस काम के लिए बुला रहे थे। पहले विचार करो, फिर साहस करो, अपने तथ्यों को जानो, कीमत का आकलन करो, पैसे की अहमियत नहीं है। जो तुम बना रहे हो वह कोई मेडिकल स्कूल नहीं है, वह परमेश्वर का राज्य है। छोटी सोच में गलती मत करो। ईडा स्कडर ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की स्थापना की, जो आज देश के शीर्ष शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान संस्थानों में से एक है। उनकी विरासत उस संस्थान से भी बड़ी है जो उन्होंने स्थापित किया था। उनके कार्य और समर्पण ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। ईडा सोफिया स्कडर की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की दूरदृष्टि और समर्पण कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं।